लखनऊ में चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यूपी में चुनाव समय पर होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे, इसके संकेत यूपी दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने दिया है। आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने समय पर ही चुनाव कराने की मांग की गई है। यूपी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सभी राजनीति दलों के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर ही विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। 3 दिनों तक समीक्षा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने कहा कि 5 जनवरी को फाइनल वोट लिस्ट आएगी। उत्तर प्रदेश में 52% नए वोटर और महिला मतदाताओं की संख्या बड़ी है। सभी राजनीति दल समय पर चुनाव के पक्ष में हैं। बता दें कि अगले साल फरवरी मार्च के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। मतदाता जागरूकता और सुरक्षा व्यवस्था संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की गई। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। जो यहाँ पर मैंने ओमाइक्रोन के केस के बारे में भी समीक्षा की कि पूरी यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं, वो लोग बाहर से ही आए थे एंड नोएडा गाजियाबाद मेरठ की उसमें थे, एक रायबरेली में था, तो वो लोग 3 तो ठीक भी होकर वापस चले गए, वो निगेटिव हो चुके हैं। एक शायद अभी कल परसों में कोई आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो ऐसे यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज्यादा अफेक्ट अभी तक नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि कोविड को देखते हुए, और हमने इसके बारे में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी चर्चा की थी यहाँ पर आने से पहले, वी हैड ऑलरेडी मेट द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और उनसे भी इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी कि कोविड वैक्सीनेशन इन 5 कोल्ड बाउंड स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इसमें हैज़ टू बी एक्सपीडाइटेड। साइमल्टेनियसली वी हैव आल्सो डायरेक्टेड देम दैट ऑल पोलिंग ऑफिशियल्स हु विल बी ऑन द ड्यूटी विल बी एब्सोल्युटली फुल्ली वैक्सीनेटेड। 100% वैक्सीनेशन वही लोग होंगे जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। और जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, इसमें की सी विजिल मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको डाउनलोड करें और जन भागीदारी से इसको यूज करें। उसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई एलसीसी का वायलेशन हो रहा है या कोई अनैतिक चीज हो रही है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और लिकर हो रहा है, किसी तरह से भी अगर कोई उसका फोटो या इंफॉर्मेशन उसको खाली अपलोड करना है, उसमें फोटो खींचना है या इंफॉर्मेशन लिखनी है और अपलोड करके भेज देना है, नाम लिखना चाहे उसकी इच्छा, नाम ना लिखना चाहे उसकी इच्छा, विदिन 100 मिनट्स अवर टीम विल रीच ओवर देयर विल दैट विल इंक्वायर व्हाट इज हैपनिंग एज सूटेबल एक्शन विल बी टेकन। कुछ स्टेट ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया, तो जिससे कि एमसीसी का वायोलेशन या कोई इस तरह की प्रलोभन युक्त चीजें जो भी कुछ हुई उसको फौरन हम लोगों की टीम पहुंची और उसको फौरन कार्यान्वित किया गया। तो इस स्टेट ने भी मैं चाहूंगा, केरला ने इसको यूज किया बहुत अच्छी तरीके से और संस के पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज गॉट वेरी डीप टू द पर्संस, दे विल हैव टू बी विद अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ बिहेवियर टू ऑल पार्टीज, दे कैन नॉट बी बायस्ड फॉर एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न, सो दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल हैव टू बी गिवन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, नोबडी कैन फेवर द वन पार्टी एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर पार्टी। और इसके अंतर्गत जो हमारे कमीशन के आदेश होते हैं कि जो भी अधिकारी 3 साल से ऊपर किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं और वो 3 साल से अधिक किसी जगह पोस्टेड हैं, उनका ट्रांसफर किया जाए और उस तरह का सर्टिफिकेट चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस दोनों आयोग को 31 तारीख के दिसंबर के बाद भेजेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ जो आज सुबह की समीक्षा हुई है उसमें 5,000 से अधिक पुलिस कर्मियों का ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो कर दिए जाएंगे और 1 जनवरी को दोनों ने आश्वासित किया है कि सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया जाएगा। इसमें 3,440 सब इंस्पेक्टर, 1,440 SHO, 14 IPS ऑफिसर्स एंड 39 DPS ऑफिसर्स हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड हू वर देयर फॉर लास्ट 3 इयर्स, सो दैट देयर कैन नॉट बी यू नो एनी अफेक्ट ऑफ बीइंग देयर फॉर मोर देन 3 इयर्स पीरियड एंड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन will have to be fulfilled and they have assured us that the certificates will be given on the 1st of June itself. ये
उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, ये प्रदेश भी अपने आप में बड़ा देश के बराबर एक वो है, यहाँ पे 403 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। उसके बावजूद यहाँ की जनसंख्या भी बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली भी जागरूक है, उसके बावजूद 2017 में जो मतदान का प्रतिशत था वो 61% था, और 61% से लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो और घटकर 59% रह गया। ये हमारे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है कि इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता पूर्ण गया है वहां पर पॉलिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है। तो हमने इस चीज के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आदेश दिए और उसे समीक्षा भी की है हम विभिन्न टाइम पर कि ये क्यों कम है और इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, जितने भी DOs हैं हमारे, उन्होंने खुद देखा कि कहाँ कहाँ हमारी जो असेंबलीज हैं, जहाँ जहाँ हमारे बूथ हैं, जहाँ पर कम परसेंटेज है स्टेट एवरेज से भी, उनको चिन्हित किया है और वहां पर जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के थ्रू पहुंचा गया है, कुछ महिलाएं आइकन्स हम लोगों ने बनाई है वहां पहुंचा गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कि क्यों मतदान है, उनको जागरूकता करने के लिए स्वीप की एक्टिविटीज बढ़ाई गई है जिससे कि उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा सके और वो वोट डालने आए। और जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने महिलाओं को और युवाओं को इस बार काफी हद तक इसमें इन्वॉल्व किया है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि उनके भागीदारी के द्वारा जितने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो उसमें भागीदारी करेंगे और जो ये परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज का है ये बढ़ना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस दिशा में प्रयास करें कि मतदाता का जो मताधिकार मिला है उसको हम खाली 61% लोग यूज कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश था जहां पर आजादी के फौरन बाद सभी 18 वर्ष से लोगों को ऊपर कोई मतदान प्राप्त हो गया था सारे एडल्ट लोगों को, तो इसकी हम लोगों को महत्ता समझनी चाहिए और इसमें हमें भागीदारी लेनी चाहिए, तभी हम इस चीज के हकदार होंगे कि सरकार ने ये काम अच्छा किया या नहीं किया। वरना अगर 60% मतदान रहेगा तो ये काफी कम है जो कि इस स्टेट को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे सारे प्रयास होंगे इसमें बूथ की अवेयरनेस, पोलिंग की अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस हो गया है, शायद इसलिए हम वोट डाले। मैं बताना चाहूंगा कि एप्टिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी, और अगर उनके पास मतदाता एप्टिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहां पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है, इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है। और कोई मतलब फील ही ना करे कि मेरा नाम अगर सूची में है और एपिक कार्ड नहीं है तो मतदाता मैं कार्ड अपना उपयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वोट डालना। उसके लिए हमारा आयोग जो भी संभव प्रयास होगा उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगा, और अगर आपको भी सजेशन देने होंगे तो आप हम भेजें और हम चाहेंगे कि हमारे इस प्रदेश का टर्नआउट भी बढ़े। कोई बहुत आवश्यक है जिसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि 2019 के चुनावों से भी हो रहा है, इस बार भी उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर EVM एंड VVPAT सभी बूथों पर लगाई जाएगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन की VVPAT स्लिप्स को EVM काउंट से मैच किया जाएगा। आयोग ने CEO को EVM और VVPAT के बारे में व्यापक जागरूकता और उपयोग में आसानी के लिए फिजिकल तथा डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए भी कहा है कि सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाए, अगर किसी की भ्रांति है उसको दिखाया जाए कि ये EVM है, ये VVPAT है और इसको आप खुद देख सकते हैं कि जो आपने बटन दबाया हुआ है वो आपको दिख रहा है। और आई थिंक देखने से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता, सीइंग इज बिलीविंग, इफ यू कैन सी इट यू कैन बिलीव इट, इवन दैट इफ यू डू नॉट बिलीव इट यू कैन नॉट बिलीव योर आइज। तो इस तरह का जो प्रचार है उसको हम वीडियो के जरिए, फिजिकल पहुंच के जरिए और सभी जो वैन भी है उसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सबको इसके बारे में पूरी जागरूकता हो। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है पारदर्शिता के माध्यम में रखते हुए, जितनी नेट कनेक्टियां पूरे प्रदेश में पूरी तरह से नहीं है उसके बावजूद 1,74,351 मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 1,00,000 मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव वेबकास्टिंग पोलिंग बूथ के अंदर, कि सो दैट हम सबको दिखा सकें कि पारदर्शिता पूरी तरीके से है बूथ के अंदर। हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, DO मॉनिटर करेंगे,
पूरा सिस्टम को मॉनिटर करने का, जिससे कि किसी बूथ की पारदर्शिता सभी के सामने उपलब्ध हो और किसी तरह की भी गड़बड़ी किसी भी बूथ में ना होने पाए।